दिल्ली में रणजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रणजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ सरकार की कार्यशैली को लेकर चर्चा हुई। हाल ही में पीएम मोदी से मिले रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार की सराहना की। हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 1 मार्च को सिरसा में रैली की जाएगी। दुनिया चाहती है उनसे मिलना, उनसे अकेले में मुझे 15-17 मिनट मिले, मोर देन 15 मिनट्स मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मेरे मंत्रालय के बारे में पूछा, मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली का पूछा और मुझे ये कहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने केवल मुख्यमंत्री जी को ही इनवाइट किया है, मैं मेरे सब्जेक्ट से बाहर, मेरी मर्यादा से बाहर कोई काम नहीं करता। वो आगे किन को बुलाएं, प्रेसिडेंट को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, वो खुद आएँ, औरों को बुलाएं, वो मैं स्टेट के सब लोगों को मैं कहूँगा, कैबिनेट मिनिस्टर को कहूँगा। शानदार होगी, कभी सिरसा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई। रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना ही है और साथ ही उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। अपोजिशन का काम होता है, अगर वो 5 हो तो भी यही कहते हैं, हमारे अभय भी कह रहे हैं, वो भी कहेगा, डेमोक्रेटिक हक है उनका, अपनी बात सामने लोगों को कहेंगे। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, सकारात्मक करे तो अच्छा लगता है, और एक अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बोलते जाएं तो उसका कोई कह नहीं सकता। हताश होके कहें सैलजा का क्या है, कुछ है ही नहीं हरियाणा में उसका, अब वो तो पता नहीं हरियाणा के लिए एक लाइबिलिटी है बिना बाकी टिकी हुई है, वहाँ उसका क्या लेना देना। सिरसा में रणजीत सिंह चौटाला ने अपने निवास स्थान पर लोगों से मुलाकात की और जन समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर एक तरफ रणजीत चौटाला ने जहां देश के प्रधानमंत्री की जमकर सराहना की, वहीं विपक्ष को भी निशाने पर लिया। खबरें अभी तक के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।